please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली से अमिताभ सिन्हा बड़ी खबर दे रहे हैं। तीन तलाक पर विधेयक को आज संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार तीन तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने वाला विधेयक पेश कर सकती है। दरअसल बीजेपी ने आज के लिए अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है और इसके लिए बाकायदा तीन लाइन का एक व्हिप भी जारी किया गया है और सरकार पहले ही बिल को संसद में लाने की बात कह चुकी है, लेकिन बिल कब आएगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था। मोहित देरे बड़ी खबर, गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की आज पंचकुला कोर्ट में पेशी होनी है। हनीप्रीत अभी अंबाला जेल में बंद है और यहीं से हनीप्रीत को पंचकुला सीजेएम की कोर्ट में पेश किया जाएगा। हनीप्रीत सहित सभी 15 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 28 नवंबर को पंचकुला कोर्ट में 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें हनीप्रीत रेप मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है। मोहित ही दे रहे शिमला से भी एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की ओर से नए मुख्यमंत्री के नाम पर अभी मोहर नहीं लगी है और इस बीच मुख्यमंत्री की रेस में शामिल जयराम ठाकुर ने प्रेम कुमार धूमल से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक जयराम ठाकुर और धूमल के बीच चंद बंद कमरे में बातचीत हुई है और देर रात ये बातचीत चलती रही और माना जा रहा है कि जयराम ठाकुर की ओर से ये मुलाकात धूमल को अपने पक्ष में लाने की कवायद हो सकती है। बीजेपी की ओर से नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारमन पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल पहुंचे हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी हो सकती है।